दुनिया में टेंशन बढ़ती जा रही है जैसे जैसे मिनिस्टर ऑफ मैजिक बनने के इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं। हालात खराब होते जा रहे हैं। डर्मस्ट्रांग अटैक्स के बाद कई सारे ऑरर्स घायल। सड़कों पर निडर होकर वीएफपी यानी वोल्डी फर्स्ट पार्टी के सेवक डेथ ईटर्स अनफॉरगिवेबल कर्सेस का प्रयोग करते हुए नजर आए। ऑपोजिशन पार्टीज हैं एचईएलपी और पकोड़ा पार्टी। टू नो मोर कीप वॉचिंग द नोजी न्यूज ओवर टू द डेली प्रॉफिट। दिस इज एग्जैजरेटर फिलिप्स फ्रॉम द डेली प्रॉफिट। As we all know how Voldy's party won over Dumbledore's in the last election. Now VFP has won again for the post. However, the intensity has increased twofold owing to the incident that have taken place during his regime. Opposition candidates HELP party ke Gilroy Lockhart hain aur Pakoda party ke Amjad Pakoda Chaturvedi jinko to secular snack bhi bulaya ja raha hai. Gilroy Lockhart jo ki father of sorcerers Magni Enemy Lockhart ke pote hain jinki party ne 5 decades tak Ministry of Magic ko sambhala hai आज खड़े हैं एज मेन ऑपोजिशन फ्रॉम हार्ट लॉकर पार्टी। वीएफपी के पावर में होने के समय जादुई दुनिया में काफी बदलाव आए। हॉगवर्ट्स द स्कूल ऑफ मैजिक का नाम बदल दिया गया है। हॉग जो कि एक अच्छा जानवर है उसे हटा के काउवर्ड्स कर दिया है। स्प्लिंचिंग मॉब स्प्लिंचिंग के काफी केसेस सामने आए और भी कई सारे घोटाले जिनके बारे में हमारी बात होगी आज क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं वीएफपी स्पोक्सपर्सन बोगी केदारनाथ HELP spokesperson फिशी जरूर और पकोड़ा पार्टी स्पोक्स नहीं पकोड़ा पार्टी के स्वयं कैंडिडेट अमजद पकोड़ा चतुर्वेदी आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे। तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हुए VFP जिनका पॉपुलर स्लोगन है वोल्डी है तो सिन है से हमारा पहला सवाल ये है। तो बोगी जी कुछ महीने पहले आपने रिच बॉय सीरियस ब्लैक का एनकाउंटर करवाया था। जो भी कारण आपने रखे विजेंगमाउट कोर्ट के सामने आपने कहा था कि वो ब्लैक्स मनी आप पब्लिक में बांट देंगे पर अब तक वो ब्लैक्स मनी पहुंचा नहीं है। तो आर यू इवन सीरियस अबाउट ब्लैक्स मनी? सुनिए सीरियस ब्लैक जो थे ना वो डार्क आर्ट्स प्रैक्टिस करने वाले आदमी थे। तो आर यू बीइंग रेसिस्ट? और डार्क आर्ट्स जो है ना बिल्कुल खत्म कर दिए हैं और जो पैसों की बकर बकर करते रहते ना कि गैलियन कहां गए उस सब हमने देश की सेवा में लगाए हैं। अपनी देश की फीनिक्स बचाने के लिए हम बाहर से फीनिक्स इंपोर्ट कर रहे हैं और यूनिकॉर्न ब्लड कितना पैसा था इनके समय में कितना पैसा था अब देखिए कितना है। और डेथ रेट पे आते हैं डेथ रेट जो है ना इतना ज्यादा कम हो चुका है 6 लाख टेस्ट्रल होने के बावजूद 19% साइटिंग्स। और चलिए महिलाओं की आजादी की बहुत ज्यादा बात करते हैं उस पे आते हैं बिच बर्निंग जो थी बिच बर्निंग जानते हैं एक्सटिंक्ट कर दिए हैं बिच बर्निंग आप लोगों ने खत्म किया है। हॉगवर्ट्स हिस्ट्री पढ़ी भी आप लोगों ने और ब्रूमस्टिक्स के प्राइसेस की बात की जाए समझिए ब्रूमस्टिक्स के प्राइसेस मच लाइक द ब्रूमस्टिक्स हैव गॉन थ्रू द रूफ। बोलने दिए हम बोल रहे हैं बोलने दिए हमको और जो आप करते हैं ना हिस्ट्री ऑफ हॉगवर्ट्स उथर जो है ना बथिल्डा बाइकसॉट हम रही पार्टी से हैं। अच्छा इंटरफियर नहीं करेंगे सिविल डिबेट है। अगला सवाल एचईएलपी से है जिनका ट्रेंडिंग स्लोगन है हर बात शक की तो कैसी तरक्की। फिशी साहब बहुत जगह ये बात उड़ रही है कि ऑपोजिशन पार्टी का काम ठीक से नहीं कर रही है हार्ट लॉकर पार्टी और जितने भी प्रोग्राम स्कीम्स आप लाए हैं दे ऑल केटर्ड टू द प्योर ब्लड नोबल क्लास तो हाफ ब्लड मिडिल क्लास का क्या। देखिए ये ऑपोजिशन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड वी वॉन्ट टू विन दिस इलेक्शन विद लव। हमें तो मिरर ऑफ एरिसाइड में भी वोल्डी जी नजर आते हैं बस इनका मसला ये है कि ये कभी कहीं शुमंतर कली हो जाते हैं फ्लू पाउडर से कभी कहीं और हॉगवर्ड्स का ख्याल रखने के बजाय डर्मस्ट्रांग से ज्यादा ऑब्सेस्ड है। दूसरा मसला इनका ये है कि ये बातें बहुत टेढ़ी करते हैं एज इफ जस्ट एपरेटेड फ्रॉम डायगन एली। डायगन एली जी वही। तो दूसरा सवाल वीएफपी से ये है कि ट्राइविजर्ड टूर्नामेंट हुआ था डंबलडोर के टाइम पे तो उसमें 4 ड्रैगन्स मंगवाए गए थे केवल 8,000 गैलियंस में। आपकी पार्टी ने जो अभी लगभग 30 ड्रैगन्स इंपोर्ट कराए हैं वो डील आपने कुछ 5 मिलियन गैलियंस में करी है। ये फिगर अभी अप्रोक्सीमेट है क्योंकि यू हैव केप्ट इट अ सीक्रेट फ्रॉम अस। इसके ऊपर एचईएलपी ने एलिजिट चार्जेस भी लगाए थे। बिना किसी एविडेंस के बिल्कुल दोषी करार दे दिए आप हम तो और डिसार्म कर दिए आप बिल्कुल एक्सपायर मसी मार दिए इससे अच्छा। और जो आप बोलते रहते हैं ना ड्रैगन वो डर्मस्ट्रांग अटैक में कितने काम आए थे। डर्मस्ट्रांग के पास कोई काउबर्ड्स का जाता है सांस लेता है ना काउबो डर्मस्ट्रांग वाले बिल्कुल कपकपा जाते हैं और डर्मस्ट्रांग वालों को अब जब बोगार्ड दिखता है ना तो अलमारी से काउबर्ड्स नजर आता है। ये तो आप मुद्दे से हट गए चिल्लाइए मत बीच में टोकिए हम यहाँ आए हैं बात करने के लिए आए हैं और मुद्दा सिर्फ यही है मुद्दा हम यहाँ पे आएंगे और यही बात करेंगे।
अच्छा कोई नहीं चिल्ला रहा है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो है HELB पार्टी से। तो हमारी पब्लिक जिसमें स्क्विब से लेके प्योर ब्लड तक सब है, उनका पूरा हक है सवाल जवाब। हाँ तो हमारी प्यारी जनता जो है उनसे लेते हैं हमारा पहला सवाल। हेलो सर, आई एम अ स्टूडेंट फ्रॉम जादुई नगरी यूनिवर्सिटी। मेरा सवाल हार्ड लॉगर पार्टी से ये है कि कुछ साल पहले आपकी पार्टी ने गॉब्लिंस के साथ अलायंस फॉर्म किया था, जिसमें आपने लाइसेंस इशू करवाया था और टैक्स लगाया था आउर पोस्टल सर्विसेज पे। रूल्स आपने उसके इतने कंसिस्टेंटली बदले कि उसमें पब्लिक का लॉस, जैसे हम सब जानते हैं, ह्यूज गैलियंस अमाउंट में हुआ था। तो ये गॉब्लिन गैलियंस स्कैम, जिसे 2G स्कैम भी कहा जा रहा है, इसमें आपने, आपको क्या लगता है, इनविजिबिलिटी क्लोक डाल दिया है तो हमें दिखेगा नहीं है, हमारी पब्लिक बेवकूफ है? नहीं नहीं, दिखना भी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, काफी मूडी किस्म के आदमी लगते हैं आप। तो ये जो हियरिंग चली थी विजन गमोट कोर्ट के सामने, तो इसमें आई वॉज फ्रीड ऑफ ऑल चार्जेस। अब मैं सबके बारे में तो नहीं कह सकता, सो योर पॉइंट इज रेंडर्ड मूट। सेकेंडली, हमारे जो कैंडिडेट हैं वो दी एल्केमिस्ट निकोलस फ्लेमेल के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये जो गैलियंस की आपने अभी बात की, वो हम पब्लिक में वापस लाएंगे, क्योंकि ये जो एल्केमिस्ट हैं, ये जिस चीज को छूते हैं वो उधर से सोना देती है। अरे कोई बात सुनो इनकी, ऐसा होता ना बेवकूफी से और चूटने से लला जीत रहे होते ना इलेक्शन, तो यहाँ लोग 1% पे घूम रहे होते हैं। अच्छा चलिए कोई नहीं, VFP से एक सवाल ले लेते हैं। सर जी, हमसे बोला था VFP को वोट दो तो कावर्ड्स वाले लौंडे को एडमिशन मिलेगा। अब हम तो मजलूम मजदूर मगल आदमी हैं, तो हमारे लौंडे का हो गया फुल पफ में। तो अरे भाई थोड़ा जल्दी सवाल पे आएंगे जी। और वो पला बड़ा है गांव में, तो किसी जानवर को पत्थर कंकर मार दिया, तो स्लेदरिन के लौंडों ने उसे आधा कहीं स्प्लिंच करके ही मार डाला। बहुत अच्छा सवाल पूछा है, एक स्प्लिंचिंग केस। और बात भी सही है, एक हिपोग्रिफ के लिए इतने हिपोक्रेट क्यों? तो बाबा ने बहुत अजीब बात कर दी है, तो ऐसी बात हो गई, डोबी का मालिक ना डंबलडोर का ना वोल्डेमॉर्ट का। और स्पीकिंग ऑफ लूसियस मैलफॉय, तो बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे। तो जो सेंटोर का रेबेलियन हुआ था ना, उसमें सेंटोर क्या है, चालाक पढ़ी लिखी जात है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना उनकी, कि उन्हें मिनिस्ट्री में उंगली करने की बहुत ज्यादा आदत है। तो लूसियस मैलफॉय जो हमारे मित्र हैं, उनको बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन है। स्पोक्स पर्सन? हाँ हाँ, वही तो, कम से कम 8,000 सेंटोर को अकेला निपटाया है, बहुत अच्छे खानदान से है वो। आपने सवाल का जवाब तो दिया नहीं, और बात कर रहे हैं लूसियस मैलफॉय के परिवार की, उनका ससुराल तो खुद पार्लियामेंट से अज़्काबान था। तो था ना, बात निकल के क्या आई है कि ग्रिफिंडोर और स्लिदरिन के डोल में उनका कोई हाथ नहीं था। वैसे हमें पता नहीं था कि मतलब इतने बजट है कि फायर बिस्की मंगा लें आप लोग, बता देते हम तमीज के कपड़े पहन के आ जाते। जी जी था बजट। अच्छा बात करें लूसियस मैलफॉय की, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वो आपकी पार्टी के बेस्ट स्पोक्स पर्सन है? नहीं नहीं, वो तो ये है, जब मुंह खोलते हैं ना तो हमारा वोट परसेंटेज हैग से हैग्रिड हो जाता है। नहीं, जुमलेबाजी करने नहीं आए हम। अरे कम से कम हमारा नेता जो है लोगों के बीच से तो उठ के आया है, 3 ब्रूमस्टिक में बटरबियर बेचता था वो। तुम्हारे नेता की तरह नहीं है कि मैग्नी एनिमार्ट लॉकहार्ट के पोते ग्रिंगॉट्स को जेब में दिए, पैदा हो गए प्रसिद्ध सरनेम लेके और ये संभालेंगे मगल बॉन्ड की समस्याओं को। लोगों के बीच से उठ के आया है वोल्डी जी, अपने आप को मगल बॉन्ड बताते हैं लेकिन जीते हैं प्योर ब्लड की जिंदगी। 2.5 मिलियन गैलियंस का विजार्डिंग रोग है उनका। अच्छा चलिए चलिए, टाइम कम है, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं पकोड़ा पार्टी से। सर ऑरर से लेके चेजर तक हर जॉब के लिए मारा मारी है, तो इस बढ़ती बेरोजगारी को कैसे मिटाएंगे आप? काफी अच्छा जवाब देते हुए, मेरे ख्याल से इनका कहना है कि अगर एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो जाके पकौड़ा ही बेचिए, ज्यादा बोलते नहीं है मैं पिछले मिनिस्टर ऑफ मैजिक की तरह। अरे कौन मार दे तुम्हारी जबान पे ताला? अरे कोई अलोहमोरा मारस की जबान पे, कावड़ रहना है, भोगी भोगी खाना है। सिलेंसियो सिलेंसियो। अच्छा इसी सवाल पे डिबेट समाप्त करते हैं, मिलते हैं 2 दिन बाद व्हेन द रिजल्ट्स आर आउट। कीप वॉचिंग द डेली प्रॉफिट। दिस इज ओवर एक्साइटेड स्केटर फ्रॉम डेली प्रॉफिट। Vote count is out. The Albury office has been going haywire because it seems that Pakoda party has won. I repeat, Pakoda party has won. इतने गैलियन खर्च कर दिए कैंपेनिंग पे, रिश्वत पे, डर्मस्ट्रांग पे बदले का हमला भी करवा दिए, फिर कैसे हार गए? अंदर की बात बताएं, कोई पता चल गया? जो कावर्ड का केयरटेकर है ना आर्गस फिल्ड,
वो मगर स्क्रिप्ट का वो है समर्थक, उसने एमबीए मशीन में चुल कर दी। हमें तो पहले ही पता था इस साला चौकीदार ही साला जाना ला हम आएंगे डंडन वही बनाएंगे हर नजर।